नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है 10 न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, बहुत समय से चर्चाओं में चल रहा था सुपर टेक ट्विन टावर, आज धराशायी हो चुका है। आज 32 मंजिला इमारत को एडिफिस इंजीनियरिंग के द्वारा गिरा दिया गया है। अभी देख सकते हैं हम सुपर टेक ट्विन टावर के पास ही मौजूद, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इमारत जो 32 मंजिला थी, आज ये धराशायी हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर, बड़े बड़े पत्थर फैले हुए हैं। नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी लगातार व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। नोएडा पुलिस भी स्थिति संभाल रही है। आप देख सकते हैं चित्रों में कि इधर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्मोक गन भी चलाई जा रही है जो प्रदूषण को कंट्रोल करेगा। अगर हम यहाँ की स्थिति की अभी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी प्रदूषण है, बारूद जो है हवा में घुल गई है, बिल्कुल अभी ऐसी स्थिति लग रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पेड़ हैं, पेड़ों पर जो है वो धूल जमा है और लगातार नोएडा प्राधिकरण द्वारा इन धूलों को हटाया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है। आप मेरे पीछे ट्रैक्टर भी देख सकते हैं, ट्रैक्टरों में पानी भरा हुआ, इन पानियों से लगातार सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। ये ट्रक है, इनमें मलबा भरना शुरू कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी ट्रक दोबारा आ गए हैं, ट्रकों की लाइनें जा रही हैं लगातार। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस धराशायी इमारत गिरने के बाद जिन लोगों ने इस फ्लैट में पैसा लगाया था, क्या उन लोगों को वो पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। देखिए दर्शकों, अभी हम सुपरटेक ट्विन टावर जो धराशायी हो चुका है अभी वहाँ पर मौजूद। आप मेरे बराबर में देख सकते हैं किस तरीके से सरिया और बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। हालांकि ट्विन टावर गिरने से पहले लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि आसपास की सोसाइटी जो हैं उनको खाली भी करा दिया गया था, आसपास की सोसाइटी में कहा जा रहा था लोगों द्वारा कि आसपास की सोसाइटी भी टूट सकती है, लेकिन अभी हम मौके पर मौजूद हैं, 10 न्यूज़ की पूरी टीम मौजूद है मौके पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी पूरी सोसाइटियों पर कपड़ा ढका हुआ और कहीं भी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है कि किसी भी सोसाइटी में कोई भी दरार किसी तरह की नहीं दिखाई देती है। लेकिन लोगों में भ्रांतियां फैली हैं कि स्मोक फैलेगा, ऐसा भी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर ट्विन टावर के पास की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बारूद की बदबू है, लेकिन अगर हम इससे दूर जाते हैं तो कहीं भी ऐसा अनुमान या कहीं भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर अभी 32 मंजिला इमारत को गिरा गया है। मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। धन्यवाद।